हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखो दोस्तों, इसमें एक पाइप कहा है, दो पाइप दे रखे, इसमें दोनों पाइप क्या है, ए है और बी है। पहले वाला क्या करता है, एक पाइप है वो अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो 3 गुना तेजी से भरता है, इसको मान लेते 3x, और जो स्लो भरता है उसको मान लेते x, यानी कि ए से बी 3 गुना तेजी से भरता है। तो अब क्या करते हैं, इसका हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 3x। ये 3x क्या है दोस्तों, ये पानी की टंकी कैपेसिटी आई है। हम क्या करेंगे, इस 3x को इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, यानी कि ए है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी डालता है। अब फिर क्या है, बी को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो बी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी डालता है। तो अब इसको हम टोटल करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर इस खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, तो कितना पानी डालते हैं, 4 पानी डालते। ये कहता है 1 मिनट में 4 पानी डलेगा, तो 36 मिनट में कितना पानी डलेगा, 4 गुणा में 36। और पूछ रहा है तो धीमी गति वाले पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो धीमी गति वाला देखो दोस्तों, ये तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है और ये डालता है 1 लीटर, तो धीमी गति वाला कौन सा हो गया, ये हो गया, तो हम बटे में 1 कर देंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 मिनट। इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 घंटे और 24 मिनट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, धीमी गति वाला पाइप है वो उस टंकी को भरने में 2 घंटे 24 मिनट का समय लेगा। यही कि हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।